जब भी कुछ हल्का खाने का मन करता है ना, तो खिचड़ी की याद सबसे पहले आती है। तो चलो बनाते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है राइस, और राइस मैंने ले लिया है 1.5 कप। फिर राइस लेने के बाद हमें राइस को पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेना है। और राइस को अच्छी तरह से साफ करके हम इसमें भर देंगे पानी और इसे सोक होने देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। फिर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं दाल डाल दे रहा हूँ। दाल मैंने ले लिया है लगभग 1/2 कप, और हाँ मैंने यहाँ पर तूर दाल का यूज़ किया है। फिर दाल में भी थोड़ा सा पानी डालकर दाल को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और दाल को भी साफ करने के बाद अब हम इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद हम इसे भी सोक होने के लिए रख देंगे। इसे भी हम 10 से 15 मिनट के लिए सोक होने के लिए रखेंगे। अब इसके बाद हम बना लेंगे पंचफोरन मसाला, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 छोटा चम्मच मेथी के दाने, 1.5 छोटे चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच राई के दाने और 1 छोटा चम्मच जीरा, और 1 छोटा चम्मच मैंने कलौंजी भी ले लिया है। इन 5 मसालों को मिलाकर बनता है पंचफोरन मसाला। फिर इस मसाले को बनाने के बाद अब हम सीधा खिचड़ी की तैयारी कर लेंगे। तो खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है कुकर, और कुकर में डाल देंगे घी, और घी में इसमें डाल दे रहा हूँ 2 बड़े चम्मच। और घी डालने के बाद हमें घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पंचफोरन मसाला। हमने जितना मसाला बनाया था हमें सभी को डाल देना है, और इसके बाद हमें मसालों को अच्छी तरह से पका लेना है। फिर मसालों को घी में अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल दे रहा हूँ 2 बड़े चम्मच। और फिर अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें अच्छी तरह से पका लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट पकाने के बाद मैं इसमें सोक किया हुआ दाल डाल दे रहा हूँ, लेकिन जो हमने सोक करने के लिए पानी डाला था हमने पानी को निकाल लिया है। हम सिर्फ दाल को डालेंगे, और वैसे ही हम चावल को भी डाल देंगे। और दाल चावल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी में इसमें डाल दे रहा हूँ 4 से 5 कप। फिर पानी डालने के बाद हम इसमें मिला लेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में हमें मिला लेना है हल्दी। हल्दी मैं इसमें डाल दे रहा हूँ 1/2 छोटा चम्मच, और हल्दी को हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फिर हल्दी मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दे रहा हूँ 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, और नमक। नमक तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, पर हम इसमें डालने वाले हैं अचार। मैं इसमें जो रेडीमेड आम वाला अचार आता है ना, वो डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी अचार का यूज़ कर सकते हैं, पर इस अचार से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप ट्राई करें कि आप यही अचार का यूज़ करें। फिर आप इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच अचार डाल सकते हैं। वैसे अचार जितना जाए उतना अच्छा टेस्ट आता है इसमें। फिर गैस का फ्लेम तेज़ करके हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और इसमें 2 से 3 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। वैसे 2 सीटी भी काफ़ी है, तो आप 2 सीटी बाद भी गैस बंद कर सकते हैं। और जैसे ही कुकर 2 सीटी दे दे, हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। तो कुकर ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे एक बार खोल के चेक कर लूँगा। तो इसे खोलते ही खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, और राइस और दाल भी अच्छी तरह से पक चुका है। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेस्टी बना होगा। अब आप इसे अचार, पापड़ या फिर हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं।